सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं पूनम और स्वागत करती हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल मिठाई ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को मिठाई ब्लॉग्स की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज बनाए हैं मैंने मकर संक्रांति स्पेशल लड्डू। तिल और मुरमुरे के जो लड्डू बनते हैं वो मकर संक्रांति पर सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। तिल के लड्डू की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार देख के। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ झटपट से बनने वाले मुरमुरे के लड्डू। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अभी फ्रेंड्स मैं मुरमुरे के लड्डू बनाने शुरू करती हूँ। गुड़ लिया मैंने यहाँ पर और मुरमुरे लिए हैं, हम लोग इसे उत्तराखंड में खील बोलते हैं और दिवाली के टाइम में हमारे यहाँ पर पूजा में ज़रूर लाते हैं हम लोग खील और बताते। तो आज मैं इसी के लड्डू बनाऊँगी। और इसका जो होता है गुड़ लिया मैंने इस कटोरी से 2 कटोरी और इसको मुरमुरे को लूँगी मैं 6 कटोरी। तो जैसे अगर हम 1 कटोरी गुड़ लेंगे तो इसके 3 एक्स्ट्रा मतलब 3 कटोरी हम मुरमुरे लेंगे। तो 1/3 का इसका जो होता है वो रेशो होता है। मैंने अभी मुरमुरों को यहाँ पर परात में ले लिया है नाप कर, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। और गुड़ को मैंने यहाँ पर चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया था ताकि जल्दी गल जाए। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई ली है और कढ़ाई मेरी गर्म हो गई तो इसमें मैं मुरमुरे को डाल दूंगी और इनको फ्राई करना है। गैस को है जो मैंने वो कम आंच पर रखा है और 2 से 3 मिनट में इस तरह से इनको फ्राई कर लूंगी। रेडी अच्छे से फ्राई हो गए, गैस मैंने बंद कर दी है और देखिए कितने अच्छे से ये टूट रहे हैं। जितने क्रंची होंगे उतने अच्छे इसके लड्डू बनते हैं। तो अभी मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल देती हूँ। अभी यहाँ पर लूंगी मैं कढ़ाई में 2 चम्मच घी, 2 या 3 चम्मच ले सकते हैं जिस तरह से हम लड्डू बना रहे हैं उसके हिसाब से। तरह से फैला देती हूँ मैं कढ़ाई में क्योंकि थोड़ा सा ही घी लिया मैंने और इससे हमारी चाशनी भी बन जाती है जल्दी से और लड्डू में एक साइन भी आता है। अभी गुड़ ले लूंगी मैं यहाँ पर। चाशनी मेरी यहाँ पर कम आंच पर बन रही है और इसी तरह मैं इसे पका लूंगी धीरे धीरे। जब चाशनी बनते बनते इसमें झाग आने लगे तो इसे चेक कर लेंगे हम लोग। और ये पानी में जाकर घुल नहीं रहा है तो चाशनी हमारी तैयार है। अब यहाँ पर मैं गैस को बंद कर लूंगी और थोड़ी देर इसे और चलाऊंगी। और अब मैं इसमें अपनी मूढ़ी डाल देती हूँ। अब फटाफट से इनको मिला लूंगी मैं, नहीं तो ये जमने शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर ये अच्छे से मिला लिए हैं और अब मैंने 1 कटोरी में पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी में हाथ पे लगाऊंगी और इनको लड्डू बना लूंगी क्योंकि ये ठंडे होंगे तो उसके बाद लड्डू नहीं बनते हैं। और इनको ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के हाथ से इनको इस तरह से। साइज तो हम अपनी पसंद का रख सकते हैं। तो फटाफट से मैं इनके लड्डू बना लेती हूँ। फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और पास से आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए। तो ये मेरे मुरमुरे के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और फटाफट से बन जाते हैं। बस इनको जब हम चाशनी में डालते तो उसके बाद फटाफट बनाना पड़ता है, नहीं तो ये सूख जाते हैं।
इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर तिल के लड्डू की रेसिपी डाली है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें। और ये लड्डू भी आप लोग एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छे होते हैं खाने में।